जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्थ प्रोग्राम। सी, हेल्थ प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम और पॉलिसी इंप्लीमेंटेड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। और हेल्थ जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी तो उससे उस कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा। साथ ही साथ जो वर्किंग एफिशिएंसी है वह भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन ऑन एवरेज 6 to 7 आवर वर्क कर पाएगा, तो वहीं जो हेल्दी पर्सन है वो मोर देन 8 or 9 आवर वर्क करेगा, जिससे एग्रीगेट जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी एंड दिस विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ऑल्सो इससे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वह भी क्या होगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी तो जो है मिनिमम अमाउंट में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो है हेल्थ फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होंगी, राइट, जिससे हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आल्सो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, राइट, हेल्थ की वजह से जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वह वर्किंग पॉपुलेशन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो इन दिस वे हेल्थ प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, राइट। अब बेटर हेल्थ के लिए गवर्नमेंट जो है कई प्रोग्राम्स को या पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, लॉन्च करती है। जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स में और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट इज क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स। सी, क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स आर दोज प्रोग्राम्स अंडर विच हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड After the person or population has suffered from the disease। और इंडिया में जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें से जो मोस्ट या मोस्ट नंबर ऑफ द जो प्रोग्राम्स हैं वो क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स ही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना, राइट, तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम हो जाएगी। देन थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान फॉर क्या हो जाएगा, डिलीवरी। फोर्थ इज संजीवनी 108। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट स्कीम हो जाएगा। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो जाएगी, रोशनी क्लिनिक हो जाएंगे, राइट, डायलिसिस प्लान हो जाएगा। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट, राइट, इनमें से जो इम्पोर्टेंट जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर प्रीवेंटिव, राइट, सेकंड प्रीवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स। सी, प्रीवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स आर दोज प्रोग्राम्स अंडर विच हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बिफोर द अकरेंस ऑफ डिसीज, राइट, बिफोर द अकरेंस ऑफ डिसीज। और इन हेल्थ फैसिलिटीज को किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए ही जो है अवेलेबल कराया जाता है। इसके तहत वेरियस प्रोग्राम्स हैं, जैसे कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्ट मुस्कान हो जाएगा, राइट, देन ममता अभियान हो जाएगा, प्रोजेक्ट शक्तिमान, राइट, मंगल दिवस कार्यक्रम हो जाएगा, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना हो जाएगी, राइट, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना हो जाएगा, फिर जननी सहयोग योजना हो जाएगी, अंतरा स्कीम हो जाएगी, दस्तक अभियान हो जाएगा, जीवन ज्योति योजना हो जाएगा, राइट, देन बाल संजीवनी अभियान हो जाएगा, राइट, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट इलनेस रिलीफ फंड हो जाएगा, धनवंतरी विकास खंड योजना हो जाएगी, राइट, बाल शक्ति योजना, देन लालिमा अभियान हो जाएगा, लालिमा कैंपेन, देन डिलीवरी सपोर्ट स्कीम हो जाएगा या मातृत्व सहायक योजना, देन चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल, आयुष्मति योजना, राइट, रोशनी क्लिनिक, और क्या हो जाएगा, अमृत कलश हो जाएगा, राइट। तो इनमें से भी जो महत्वपूर्ण जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम उनको वन बाय वन बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो द फर्स्ट, राइट, अच्छा, इसके साथ ही ये तो मध्य प्रदेश सरकार की, ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च या इम्प्लीमेंटेड क्या हो जाएंगे, हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जिनको हमने क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत जो है
बाइफरकेट करके पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं जिनका जिनका पॉलिसी जो फॉर्मूलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, राइट। सो नेशनल लेवल या हम कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर आल्सो बीइंग रन इन मध्य प्रदेश। फॉर एन एग्जांपल, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। वी हैव स्टडीड दीज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। नाउ लेट्स स्टडी द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ मध्य प्रदेश। द फर्स्ट इज चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट स्कीम। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है चाइल्ड, विच मीन्स दैट कि ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली इसके बेनिफिशरीज कौन है, चाइल्ड है, राइट। ये 0-15 ईयर के एज ग्रुप के जो चाइल्ड हो जाएंगे, राइट। और सेकेंड क्या है यहाँ पर, हार्ट, विच मीन्स दैट ये इस हेल्थ प्रोग्राम में क्या क्या अवेलेबल कराया जाएगा, तो एक तरीके से हार्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या हो जाएगी, ये स्कीम हो जाएगी, राइट। तो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट ट्रीटमेंट स्कीम और मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार जो योजना है, दिस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 14th of July 2017। एंड इस प्रोग्राम या इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में चिल्ड्रन ऑफ एज 0-15 ईयर, राइट, और स्पेशली जो कि क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, राइट। तो ऐसे चिल्ड्रन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जिनकी एज 0-15 ईयर है, साथ ही साथ ऐसे चिल्ड्रन जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन में इंक्लूडेड नहीं है बट दे आर अनेबल टू अफोर्ड द हार्ट ट्रीटमेंट, उनको इस स्कीम के तहत एलिजिबल माना जाता है। एंड अंडर दिस स्कीम ऐसे चिल्ड्रन जिनको हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका फ्री ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल कराया जाएगा, राइट। ऑल्सो रिक्वायर्ड होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है हार्ट ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। एंड फॉर दिस अ मैक्सिमम ऑफ RS 1 लाख पर केस जो है वो अप्रूव किया जाएगा, विच मीन्स गवर्नमेंट एक पेशेंट के लिए जो है 1 लाख रुपीज जो है मैक्सिमम जो है फंड रिलीज करेगी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हियरिंग ट्रीटमेंट स्कीम हो जाएगा, राइट। ये भी चिल्ड्रंस के लिए है और ये किससे रिलेटेड है, ये हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना या चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हियरिंग ट्रीटमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 2nd May 2016, राइट। और इसके लिए जो बेनिफिशरी है वो मस्ट बी नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश होना चाहिए। और इस स्कीम के तहत, राइट, 1-5 एज ग्रुप के जितने भी चिल्ड्रन हैं मध्य प्रदेश के, राइट, जिनका डोमिसाइल क्या है, मध्य प्रदेश है, तो 1-5 ईयर एज ग्रुप के जितने भी चिल्ड्रन हैं मध्य प्रदेश के, राइट, साथ ही साथ स्पेशल कंडीशन में मैक्सिमम कितना, 7 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रन हैं, राइट, उनको उनको क्या किया जाएगा, उनको इस स्कीम के तहत उनकी जो भी हियरिंग डिसीजेज हैं उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, राइट। ऑल्सो अप्रूवल ऑफ टेक्निकल कमिटी कंस्टिट्यूएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नेसेसरी। तो जो टेक्निकल कमिटी है वो टेक्निकल कमिटी ही उस चाइल्ड हेल्थ को या उस चाइल्ड की प्रॉब्लम को रिव्यू करेगी और उस कमिटी के अप्रूवल के बाद ही उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हियरिंग ट्रीटमेंट जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2nd May 2016 को, और इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के, राइट, 1-5 ईयर एज ग्रुप के चिल्ड्रन और स्पेशल केसेस में 7 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको हियरिंग डिसीज या हियरिंग जो डिसीजेज हैं उनसे ट्रीटमेंट कराया जाएगा और इसके लिए टेक्निकल कमिटी का अप्रूवल क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। देन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा, राइट। और ये जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश की बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। सो दीनदयाल अंत्योदय ट्रीटमेंट योजना वाज लॉन्च्ड इन September 2004 और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है
टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू फैमिलीज ऑफ ऑल कैटेगरीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन के जितनी भी फैमिलीज हैं राइट, उनको क्वालिटी जो सर्विसेज है राइट, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। साथ ही साथ इसमें एक बात ये है कि यहाँ पे जो फ्री ट्रीटमेंट होगा वो फ्री ट्रीटमेंट केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होगा, विच मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन कि जो जितने भी बेनिफिशरीज हैं यदि वो प्राइवेट सेक्टर में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराएगी, बट इफ़ दीज आर एडमिटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो उनको इस स्कीम के तहत उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑल्सो इसके लिए लिमिट भी जो है फिक्स की गई है और वो कौन सी हो जाएगी, 20,000 पर फैमिली। तो अप टू जो 20,000 है वो पर फैमिली के लिए ये क्या होगी, एक तरीके से इकोनॉमिक हेल्प होगी और इसके तहत ही उन फैमिलीज का क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा राइट। इट वाज एनुअल विच हैज नाउ इंक्रीज टू 30,000। तो पहले पर फैमिली को 20,000 और अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 हो जाएगा राइट। अगर हम एक तरीके से देखें तो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नाउ अडेज जो 5 लाख राइट, 5 लाख तक की जो है, अप टू 5 लाख जो है हेल्थ सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, विच मीन्स अगर वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति जो है जिसके पास में आयुष्मान कार्ड है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या नोटिफाइड किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है एंड ही वुड बी असिस्टेड अप टू 5 लाख रुपीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बट ये जो योजना है वो बाद में जो है लॉन्च की गई है और ये जो दीनदयाल अंत्योदय ट्रीटमेंट योजना है ये सितंबर 2004 में ही क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। देन दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम या इसको क्या कहा जाएगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट राइट। देखिए मध्य प्रदेश में कहीं पर डेंस फॉरेस्ट है राइट, तो कहीं पर हिली एरियाज हैं राइट, जहां पर ना तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और ना ही पीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। उन रिमोट रूरल एरियाज में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकें इसके लिए दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम और मोबाइल मेडिकल यूनिट स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 26 मई 2001 राइट। और अंडर दिस स्कीम एक मोबाइल वैन होगी या एक क्या होगा, एक वैन होगी या एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा जिसमें अ डॉक्टर राइट, डॉक्टर नर्स और साथ ही साथ जो अदर स्टाफ है और साथ ही साथ जो नेसेसरी इक्विपमेंट होंगे और मेडिसिन होंगी। तो एक व्हीकल में मेडिसिन इक्विपमेंट के साथ साथ डॉक्टर नर्सेस और जो अदर स्टाफ होगा वो उस व्हीकल से जो मध्य प्रदेश के डेंस फॉरेस्टेड एरिया है या जो एक तरीके से जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पर पीएचसी या सीएचसी इस्टेब्लिश नहीं है या जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर इस व्हीकल के द्वारा जो है ये पूरी जो मोबाइल यूनिट है ये उन एरियाज को विजिट करेगी और वहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएगी। क्लियर। देन डायलिसिस प्लान राइट, जो डायलिसिस प्लान है, डायलिसिस प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 2016 राइट। और इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो डायलिसिस के लिए एक्सपेंडिचर होता है उसको, उस एक्सपेंडिचर के बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। देखिए किडनी से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होती हैं उनमें डायलिसिस रिक्वायर्ड होता है और डायलिसिस कराने से जो है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन जो है फैमिली को फेस करना पड़ता है, इसीलिए दिस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड राइट। सो डायलिसिस प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 2016 एंड दिस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड डायलिसिस फैसिलिटी फॉर किडनी पेशेंट्स राइट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टू बीपीएल कार्ड होल्डर्स राइट एट मिनिमम रेट्स एंड जो अदर कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनको भी गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या कराई जाएगी, ये फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी। देन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलांस क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वी कैन से दैट दिस इज द नीड ऑफ आवर।
राइट, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिसीज का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि अर्ली स्टेज में ही उस डिसीज को क्या करे, उस डिसीज को आइडेंटिफाई कर ले और उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो नेसेसरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल कोरोना, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको जो है आइसोलेट कर देंगे, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ऑब्वियसली कोरोना जैसी या कोई भी अदर जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है उसका ब्रेकआउट लार्ज स्केल पर नहीं हो पाएगा। राइट, तो इसके लिए जो पॉलिसी है वो कौन सी हो जाएगी, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम। राइट, एंड दिस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश इन 2004 इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक। राइट, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, स्ट्रेंथनिंग और मेंटेनिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड और जो स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेनिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में कहीं पर भी किसी भी डिसीज का जो है ब्रेक डाउन होता है तो लेबोरेटरी टेस्टिंग के द्वारा उस डिसीज का जो पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करना। राइट, साथ ही साथ उस एरियाज में जो डिसीज का ब्रेकआउट हो रहा है उसमें जो ट्रांसमिशन रेट कितनी है उसका सर्विलांस रखना। राइट, और सर्विलांस सिस्टम फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीजेस। राइट, तो जो एपिडेमिक प्रोन जो डिसीजेस हैं जैसे कोरोना हो जाएगा और अदर डिसीजेस हो जाएंगे उनका सर्विलांस करना कि किस एरियाज में जो इन्फेक्शन रेट है वो कितना है, ताकि वहां पर हेल्थ अप्रोप्रिएट मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑल्सो इस पॉलिसी के तहत ही एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी फॉर्म की जाएगी। राइट, तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम वुड बी ट्रेंड सो दैट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी डिसीज का ब्रेकआउट होता है तो इस रैपिड रिस्पॉन्स टीम के द्वारा राइट अर्ली स्टेजेस में ही जो है टेस्टिंग को इंक्रीज किया जा सके। राइट, ऑल्सो जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं उनको पर्टिकुलर स्टेट में जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाउ विद रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, राइट, अंडर दिस प्रोग्राम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वर्क इज बीइंग डन एट स्टेट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल। राइट, और इस पॉलिसी के तहत ही मध्य प्रदेश में सर्विलांस कमिटीज को एस्टेब्लिश किया गया है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम को जो है एस्टेब्लिश किया गया, साथ ही साथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। ऑल्सो जो मेडिकल स्टाफ है एंड जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है। राइट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैथोलॉजी लेबोरेटरी सो दैट टेस्टिंग जो है टेस्टिंग को इंक्रीज किया जा सके, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम सो दैट एक लार्ज एरिया को जो है लार्ज एरिया का सर्विलांस हो सके। राइट, तो ये सभी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। नाउ एनीमिया फ्री क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। सो एनीमिया जो है अगर हम देखें तो इंडिया की जो 50% वीमेन है, राइट, 50% ऑफ वीमेन ऑफ इंडिया आर एनीमिक। राइट, और एनीमिया के रीजन क्या हो जाएंगे, एक तो इंडिया में जो न्यूट्रिशन का लेवल है या एक तरीके से न्यूट्रिशन की अवेयरनेस नहीं है। राइट, पीपल डू नॉट नो द डिफरेंस इज वॉट इज क्वालिटी फूड एंड वॉट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड। राइट, विच मीन्स दैट अगर हम देखें तो इंडिया में जो टेस्टी फूड है, राइट, टेस्टी फूड है उसको प्रमोट किया जाता है और जो न्यूट्रिशन वेट फूड है, राइट, उसको उतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो वर्तमान समय में जंक फूड हो जाएगा देन वेफर्स हो जाएंगे, इन सबको कंज्यूम किया जाता है, ऑयली फूड को कंज्यूम किया जाता है, राइट, विच इज़ अनहेल्दी। वहीं जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, राइट, उनको उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ऑल्सो इंडिया में जो इंडिया है, इंडिया में पैट्रियार्की भी है, इस वजह से कई बार जो फैमिली में बॉय को
बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। ऑल्सो बॉय के न्यूट्रिशन पर भी फोकस किया जाता है, गर्ल्स के न्यूट्रिशन पर उतना फोकस नहीं किया जाता है, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से इंडिया की 50% जो वीमेन है वो एनेमिक है, राइट। देयरफॉर इसका जो है इसको इराडिकेट करने के लिए ही एनीमिया फ्री इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड अंडर एनीमिया फ्री इंडिया प्रोग्राम एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिवेंट एनीमिया थ्रू एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, राइट। और इस स्ट्रेटजी के तहत बेबीज, राइट, जो कि 6 to 60 मंथ्स के हैं, चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 5 to 10, दैन एडोलेसेंट 10 to 19, राइट, बॉयज एंड गर्ल्स, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, राइट, जो लैक्टेटिंग मदर है एंड जो वीमेन है वो इसकी क्या है बेनिफिशरीज है, राइट। एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, राइट। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा मध्य प्रदेश के स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है एनीमिया के लिए, राइट, टू राइट एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ही मध्य प्रदेश के जो स्कूल्स हैं उनमें फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि एनीमिया को जो है कंट्रोल किया जा सके, राइट। फॉर एन एग्जांपल, राइट, 82,734 जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, राइट, प्राइमरी स्कूल्स में, राइट, 39,104 सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, और साथ ही साथ 96,882 जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो है इसकी जो है टैबलेट्स को क्या किया जाता है अवेलेबल कराया जाता है, राइट। सो दैट ये जो है जितने भी चिल्ड्रन हैं, राइट, उनमें एनीमिया कंट्रोल हो सके और हमें इस प्रोग्राम के तहत एनीमिया से हम फाइट कर सके। देन क्या हो जाएगा, जननी एक्सप्रेस योजना। अब जननी एक्सप्रेस योजना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश, राइट, क्योंकि जो इंक्रीज्ड एमएमआर है और इंक्रीज जो आईएमआर है उसके लिए द बिगेस्ट रीजन इज द लोकल डिलीवरी, विच मीन्स पीपल डू नॉट प्रेफर टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उसका एक रीजन ये भी है कि पीपल डू नॉट हैव अ व्हीकल, राइट, पीपल डू नॉट हैव अ व्हीकल सो दैट उस व्हीकल के माध्यम से प्रेग्नेंट वीमेन को हॉस्पिटल ले जाया जा सके जहां पर डिलीवरी पॉसिबल हो। इस वजह से जननी एक्सप्रेस जो योजना है, दिस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड इन 2006 टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू प्रेग्नेंट वीमेन सो दैट उन प्रेग्नेंट वीमेन को इमरजेंसी सिचुएशन में या एट दैट इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल तक जो है उनको लाया जा सके, राइट। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू वुमेन बोथ बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी, और इससे जो इंस्टीट्यूशनल, राइट, इससे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, राइट, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। ऑल्सो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। ऑल्सो बेनिफिशरीज ऑफ दीनदयाल उपचार योजना एंड सिक चिल्ड्रन जो है उनको भी ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। देन क्या हो जाएगा, संजीवनी 108। दिस संजीवनी 108 स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2019 और ये मध्य प्रदेश में, राइट, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं ये अवेलेबल कराती हैं, राइट। एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रेग्नेंट वीमेन, राइट, प्रेग्नेंट वीमेन को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए या जो बेनिफिशरीज ऑफ दीनदयाल उपचार योजना है उसके बेनिफिशरीज को 108 जो एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती थी, राइट,
उन्हीं 108 एम्बुलेंस सर्विसेज को नाउ डेज क्या कहा जाता है, संजीवनी 108 कहा जाता है। और ये 2012 और 13 से ही मध्य प्रदेश में क्या है, लागू या इंप्लीमेंट हो चुकी है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108, राइट। तो मध्य प्रदेश में अंडर वेरियस प्रोग्राम्स डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, दीनदयाल 108 सर्विसेज, 108 एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज, जननी एक्सप्रेस सर्विस, दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल सर्विस, राइट, हेल्थ हेल्पलाइन सर्विस, ये सब जो है वो ऑपरेट की जा रही हैं, राइट, आर बीइंग ऑपरेटेड अंडर इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। तो इन सब प्रोग्राम्स के तहत जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं उनको इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है अवेलेबल कराया जा रहा है। और इसके लिए 108 क्या है, कॉल सेंटर हो जाएगा, एंड दीज इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 इज बीइंग रन बाय जिगत्सा हेल्थ केयर लिमिटेड। नेक्स्ट इज जननी सहयोग योजना, राइट। दिस जननी सहयोग योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2006 और इस योजना या इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो है क्वालिटी एमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं। फॉर हूम, तो ये ऐसी फैमिलीज जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनके लिए एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं। इन सर्विसेज में क्या क्या शामिल है वो समझते हैं। तो दिस जननी सहयोग योजना और पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2006 अंडर विच एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट। और इस पॉलिसी के तहत जो एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज हैं या केयर सर्विसेज फॉर न्यूबॉर्न और सिक बेबीज हो जाएगा या सेफ एबॉर्शन जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। एक बात और आपको जो यहाँ पर जो है एमसीक्यू के लिए याद रखना है वो ये है कि इन दिस कोऑपरेशन ऑफ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स इज टेकन इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो इस पॉलिसीज के तहत जो प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हो सकती हैं और इसके बेनिफिशरीज हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबीज ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन। देन धनवंतरी डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक स्कीम, राइट। यहां पर ब्लॉक क्या हो जाएगा, राइट, जैसे हमने कहा कि तहसील हो जाएगा, राइट। तो जो ब्लॉक लेवल है, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक हैं उनमें बेटर क्या हो सके, हेल्थ पॉलिसीज हो सके, इसके लिए ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड हेल्थ फैसिलिटीज को अवेलेबल कराना है। सो दिस धनवंतरी डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 15th of August in 2005, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप ऑल ब्लॉक्स आइडियली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट। और यहाँ पर किसी भी ब्लॉक लेवल पर या किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जितनी भी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज हैं उनको उनका कोऑर्डिनेशन से क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होगा ताकि ब्लॉक लेवल पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इम्प्रूव हो सके। और साथ ही साथ अंडर दिस स्कीम जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको प्रमोट किया जाएगा सो दैट जो MMR है और IMR है ये क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। देन बाल शक्ति योजना, अब शक्ति रिफर्स टू हियर पावर और पावर जो है वो न्यूट्रिशनल फूड से अवेलेबल होती है, विच मीन्स ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे चिल्ड्रन जिनके लिए न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है, राइट, जो माल न्यूट्राइज्ड हैं उनके लिए बाल शक्ति योजना जो है लॉन्च की गई है। एंड दिस बाल शक्ति योजना वॉज लॉन्च्ड टू मिनिमाइज द रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 55 ईयर्स, राइट। तो बर्थ से लेकर 5 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं जो कि माल न्यूट्राइज्ड हैं उनके लिए बाल शक्ति जो योजना है ये इम्प्लीमेंट की गई है। अंडर दिस स्कीम जो है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में किसी भी चाइल्ड का क्या किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, एंड इफ
न्यूट्रिशन की वजह से अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको एडमिट किया जाएगा और वहाँ पर फिर उनका जो है एक तरीके से उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराया जाएगा, साथ ही साथ उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जाएंगी। देन अटल वाल मिशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। सो दिस अटल वाल मिशन एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड इन अगस्त 2011 और ये क्या है, एम्बुलेंस सर्विस है। अब ये किसके लिए है, सो दिस इज एन एम्बुलेंस सर्विस टू बी ऑपरेटेड अंडर द चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मिशन, राइट, विच मीन्स ये कि जो मॉल्यूराइज्ड चिल्ड्रन हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसपोर्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इसी अटल वाल मिशन एक्सप्रेस के तहत अवेलेबल कराई जाती है। देन क्या हो जाएगा, मैटरनिटी असिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्कीम हो जाएगा, राइट। तो देखिए अगर MMR और IMR को हमको डिक्रीज करना है सो डेफिनेटली राइट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ वूमन हेल्थ केयर इज नेसेसरी। तो बिफोर एंड आफ्टर जो प्रेग्नेंट वूमन है वो अपने हेल्थ का और आफ्टर डिलीवरी अपने बच्चे का केयर कर सके, इसके लिए जो है ये असिस्टेंट स्कीम जो है लॉन्च की गई है। सो दिस मैटरनिटी असिस्टेंट स्कीम वॉज लॉन्च इन 2004, राइट। और इसकी बेनिफिशरीज कौन है, वुमन वर्कर्स इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट। तो मध्य प्रदेश के रोड कंस्ट्रक्शन या जो हम कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी वीमन इंगेज्ड हैं उनके लिए असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड वुमन वर्कर्स आर पेड 50% ऑफ द सैलरी बीइंग रिसीव्ड बाय देम फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 12 वीक्स। तो जो भी उनकी करंट सैलरी है उसकी 50% जो सैलरी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए 12 वीक्स की जो सैलरी है वो अवेलेबल कराई जाएगी एज अ मैटरनिटी बेनिफिट। और यदि उस वुमन राइट और साथ ही साथ 1000 rupees का भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ऑल्सो यदि उस रजिस्टर्ड वुमन वर्कर का हस्बैंड भी रजिस्टर्ड वर्कर है, राइट, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज्ड है, सो द हस्बैंड ऑफ द पर्टिकुलर वुमन ऑल्सो गेट्स अ पैटर्निटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट फॉर 15 days। तो उसको भी 15 days का पैटर्निटी जो है बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज जन स्वास्थ्य रक्षक क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा, राइट। सो जन स्वास्थ्य रक्षक योजना वॉज लॉन्च इन 1995 एंड दिस इज अ फंटास्टिक स्कीम। देखिए किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरियाज में या एवरी रूरल एरिया में जो है CHC कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर या PHC को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। देयरफोर उसी विलेज के किसी भी जो पर्टिकुलर एजुकेटेड पर्सन होता है उसको पब्लिक हेल्थ गार्ड के रूप में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, राइट। सो अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ पब्लिक हेल्थ गार्ड इन दैट पर्टिकुलर विलेज और उसको मेडिकल की जो जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उससे ट्रेन किया जा सकता है। सो दैट ये जो पब्लिक हेल्थ गार्ड है ये उस पर्टिकुलर विलेज में हेल्थ फैसिलिटीज को अवेलेबल करा सके, साथ ही साथ प्राइमरी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को अवेलेबल करा सके, राइट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये उस विलेज के जो लोकल पब्लिक है उसको अवेलेबल करा सकता है। ऑल्सो इफ देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन तो वह है पेशेंट को जो है रेफर भी कर सकता है टू CHC और PHC। नेक्स्ट इज स्वास्थ्य घर योजना एंड दिस स्वास्थ्य घर योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2002। अब ये स्वास्थ्य घर क्या है, हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज अ क्लिनिक, राइट, क्लिनिक हो जाएगा, या जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो है वो क्या किए जा रहे हैं, रन किए जा रहे हैं, राइट। सो वी कैन से दैट कि जो मोहल्ला क्लिनिक जो कि दिल्ली में जो है रन किए जा रहे हैं, राइट, उसी के समान यहाँ पर वन स्वास्थ्य घर और वी कैन सी दैट मेडिकल क्लिनिक। सो अंडर दिस स्कीम वन स्वास्थ्य घर और मेडिकल क्लिनिक वुड बी ओपन्ड फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन इन
अर्बन स्लम्स, तो जो अर्बन स्लम एरियाज हैं वहाँ पर 1000 पॉपुलेशन पर एक वन स्वास्थ्य घर, या हम कह सकते हैं कि जो है क्लिनिक जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि उन पीपल को या वो जितनी भी जो पीपल हैं उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या कराएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। ऑल्सो इनको एनजीओ के हेल्प से ही जो है इनको गवर्न किया जाएगा, ताकि जो सेलेक्टेड एनजीओ हैं वो इनके लिए फंड अरेंज कर सकें, साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अरेंज कर सकें, सो दैट अर्बन स्लम्स में जो है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो सके। देन मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम, सो जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम है ये किसके लिए है, राइट? सो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश टू रिड्यूस MMR और मदर मोर्टिलिटी रेट टू लेस देन 100 बाय 2010 थ्रू वेरियस क्या हो जाएंगे, मेजर्स हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज जो है रन हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हुए जो MMR है उसको रिड्यूस किया जाएगा 100 तक बाय 2010। और इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, राइट, प्रेग्नेंट वुमेन आर रजिस्टर्ड एट द वेरी बिगनिंग, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उन प्रेग्नेंट वुमेन को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आंगनबाड़ी के द्वारा और PHC CHC में उनको जो है लाइफ सेविंग मेजर्स और साथ ही साथ उनको जो है डिफरेंट जो है हेल्थ फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। ऑल्सो रूरल एरियाज में जो है डिलीवरी के लिए जो मिडवाइव्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि रूरल एरिया में इमरजेंसी होने पर सेफ डिलीवरी हो सके, राइट। हालांकि अगर हम देखें तो अब तो गवर्नमेंट ने जननी सुरक्षा योजना और जननी एक्सप्रेस योजना को जो है लॉन्च किया है, जिससे अब इजीली किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो है प्रेग्नेंट वीमर को CHC या PHC में जो है रेफर किया जा सकता है, जिससे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंक्रीज होगा, राइट। और इस योजना के तहत जो है रूरल एरिया में मिडवाइफ्स को भी क्या किया जाएगा, जो है ट्रेन किया जाएगा। तो आप कई बार देख रहे होंगे कि देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, और एक तरीके से अगर हम देखें तो जिनकी वर्किंग मेथड सेम है, जिनका ऑब्जेक्टिव भी सेम है। तो इस वजह से लगभग जो सभी पॉलिसीज होती हैं उनमें कुछ तो कॉमन पॉइंट होते हैं, बस डिफरेंट पॉइंट क्या होता है वो कब लॉन्च हुई है। तो आपको जितनी भी हेल्थ पॉलिसी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हैं वो कब लॉन्च हुई हैं, साथ ही साथ उसका जो एक स्पेशल फैक्टर है वो आपको याद रखना है कि उसके तहत कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। देन इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, राइट। सो दिस इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना वाज लॉन्च्ड इन 2010-11, और इस स्कीम के तहत कैश ट्रांसफर जो ये स्कीम क्या है, एक कैश ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम है। सो दिस इज अ कैश ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। और दिस अंडर दिस इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, राइट, जो है इससे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाता है टू पार्शियली कंपनसेट द लॉस ऑफ वेजेस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वर्किंग वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड। तो एक तरीके से जो डिलीवरी होती है उसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वीमेन को जो वेजेस का लॉस होता है उसके लिए जो है पार्शियली इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, और ये सीधा जो है कैश ट्रांसफर बेनिफिट होती है, ताकि जो है प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वीमेन है उनको वेजेस का कंपनसेशन मिले, और वो एक तरीके से अपने हेल्थ और अपने बच्चे का हेल्थ जो है अच्छा कर सके। देन क्या हो जाएगा, विजय राजे जननी कल्याण क्या हो जाएगा, बीमा पॉलिसी हो जाएगा, या विजय राजे जननी कल्याण इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। सो ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन May 16, राइट, 2006, और ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, राइट, ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिलीवरी कॉस्ट, राइट। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि देखिए, ये स्कीम से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाएगा और जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि जो भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेगा
उसको 1000 रुपीज़ जो है क्या किए जाएंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनके 1000 रुपीज़ जो हैं उनको अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड सेकंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है राइट, और उसमें जो भी सीरियस इंजरी होती है या डेथ होती है, तो फिर उस फैमिली को 50,000 रुपीज़ का जो है इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। राइट, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर अंतरा स्कीम। अब अंतरा स्कीम क्या है, ये एक हिंदी का वर्ड है अंतर, अंतर विच मीन्स गैप, राइट। और ये जो स्कीम है ये बेसिकली टू रिड्यूस द एमएमआर और आईएमआर, इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो आईएमआर और एमएमआर को रिड्यूस करना। अब कैसे उसको समझते हैं, लेट्स से कि अगर जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, अगर फर्स्ट डिलीवरी जब भी होती है तो उस वीमेन की जो बॉडी होती है उसको रिकवर होने में एटलीस्ट 6 या 1 ईयर तो लग ही जाता है, बट आफ्टर द डिलीवरी यदि विद इन द स्पेन ऑफ 2-3 मंथ अगर वो वुमेन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, सो देयर आर हाई चांसेस दैट कि सेकेंड डिलीवरी के दौरान, ड्यूरिंग सेकेंड डिलीवरी राइट, जो है डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में अकर, और इससे उस वीमेन की जो है डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी राइट, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी मिनिमम देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 2 ईयर, सो दैट जो वीमेन है उसकी बॉडी फर्स्ट डिलीवरी की वजह से रिकवर हो जाए, ऑल्सो सेकेंड जो डिलीवरी है उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, राइट। इसीलिए इस स्कीम के तहत जो है अंतरा का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करता है, रोकता है, राइट। सो दिस अंतरा स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15th ऑफ अगस्त इन 2017 बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंतरा स्कीम इज टू कीप द गैप इन द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड टू स्टॉप द ग्रोविंग पॉपुलेशन, राइट। और इसकी स्कीम के तहत वुमन वुड बी गिवन एन इंजेक्शन कॉल्ड अंतरा, जिससे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है राइट उसको कंट्रोल किया जा सकता है, राइट, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट इन द कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर विद द एडवाइस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, राइट। और ये जो अंतरा इंजेक्शन है, वुमन विड बी एबल टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी फॉर द 5 ईयर, इससे जो वीमेन है उनका हेल्थ भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी भी, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे भी वीमेन विल गेट रिड ऑफ दीज अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड इम्पोर्टेंट हेल्थ पॉलिसीज ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। आप इनको जो है अगेन एंड अगेन रिवाइज करें, ये कब लॉन्च हुई हैं, हु आर द बेनिफिशरीज एंड वॉट या विच टाइप ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अंडर दीज प्रोग्राम्स, राइट। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द अपकमिंग लेक्चर, टिल देन थैंक यू।